हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा। और आज की वीडियो के बारे में तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मैं काफ़ी टाइम से अपने बेबी के लिए प्ले पेन लेना चाहती थी, ठीक है। मैं ऑनलाइन सर्च भी कर रही थी और मेरे हस्बैंड का जैसे ट्रांसफ़र जो है मुजफ्फरनगर हो गया है, तो अब हमें प्लेस चेंज करनी है, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। तो मुझे ये था कि जब मैं बिज़ी हूँ, मतलब जब मैं किचन में काम कर रही होंगी और बेबी जो है वो अब पलटता है थोड़ा, मतलब बैक क्रॉल स्टार्ट कर दिया है, फिर फ्रंट क्रॉलिंग करेगा, और फिर मैं, मतलब होता है ना कि ठीक है जब मैं बेबी के पास हूँ तो मैं चाहूँगी कि हाँ बेबी एक्सप्लोर करे घर में, मतलब सेफ, मतलब या चाइल्ड प्रूफिंग करके मैं बेबी को जो है पूरे घर में अगर घूम भी रहा है तो कोई बात नहीं, मैं सामने देख सकती हूँ। लेकिन जब मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, जब मैं किचन में काम कर रही हूँ, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं वॉशरूम भी ना जाऊँ, कहीं ना जाऊँ, सिर्फ बेबी के पास रहूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये प्ले पेन काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, ठीक है। और मैंने देखा प्ले पेन इतने महंगे कॉस्टली होते हैं, मतलब 14,000, पता नहीं कितने कितने थाउजेंड से, और जो कम रेंज के थे वो 5,000 4,000 से कम तो थे नहीं, ठीक है। और वो भी इतने ज़्यादा स्पेशियस नहीं थे। मैं खुद हैरान हूँ मुझे कहाँ से ये प्ले पेन, मतलब अचानक मैं प्ले पेन ढूंढती थी और मुझे इसका मतलब सजेशन आने लगा, ठीक है, फर्स्ट क्राई से। और जब मैंने इसको देखा, मैं खुद शॉक थी कि ये इतने कम है। ये अराउंड 2,600 कुछ दिखा रहा था और कूपन वगैरह लगा के फिर ये 2,400 ऐसे का मुझे कॉस्ट किया, टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के, ठीक है। मैं आपको इसका बिल भी दिखा देती हूँ, ठीक है। और मैं खुद हैरान थी और मैंने कहा कि चलो मैं ऑर्डर करती हूँ। जब ऑर्डर किया तो उसमें दो ऑप्शन थे कि ऑनलाइन असिस्टेंट ले सकते हैं या तो घर में आके टेक्नीशियन मतलब जो है इसको आपको लगा के दिखा देगा। मैंने घर वाला नहीं किया, ठीक है, मैंने ऑनलाइन वाला किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ दिनों बाद जब मैं मतलब 1 महीने बाद अगर मैं शिफ्ट हो जाऊँ तो वहाँ पे मुझे ऑनलाइन असिस्टेंट मिल जाए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपको 2-3 दिन में ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो मैं सीख लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको वापस पैक कर दूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसको यूज़ करूँगी। हाँ, लेकिन इसके लिए स्पेस काफ़ी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे इतना बड़ा है ऑलमोस्ट बेड जितना, तो अगर आपके घर में स्पेस कम है तो फिर आपके लिए ये कोई मतलब यूज़ का नहीं है, उल्टा आपको आफत लगेगी। और आपको ये उस जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पे एक तो स्पेस भी है, ऊपर से फ़ैन, एसी, कूलर या कुछ कुछ है वहाँ पे, ठीक है, जिससे कि बेबी को गर्मी ना लगे जब बेबी उसमें हो। जब फर्स्ट टाइम मैंने अरेंज किया था मुझे चीज़ें इतनी नहीं पता थी, तो मुझे हाँ अरेंज करने में उसको टाइम लगा, उसको असेंबल करने में। लेकिन जब मुझे समझ आ गया कि क्या है, ठीक है, तो मुझे पता है नेक्स्ट टाइम मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसको असेंबल करने में, ठीक है, बहुत ईजी है। और बाकी इसमें सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखा है कि बच्चे को लग ना जाए, ठीक है, उन सब चीज़ों का। और मुझे मतलब मैंने देखा, मैं खुद ही उसमें जाके मैंने देखा कि भाई कैसे कैसे ऐसा कि इसमें बच्चे को कहीं से लग ना जाए। तो जो नीचे का सरफेस है ना वो बहुत पतला है, तो या तो आपको मैट लेना पड़ेगा या तो आपको कोई गद्दा वद्दा जो है उसमें बिछाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे का आप मतलब हो या नहीं हो एक ही बात है, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे चाहिए होगा। तो ये ही एक चीज़ है। और वैसे भी जब इतने कम कॉस्ट का आ रहा है तो वो आप मैट भी दें, क्योंकि मैट मैंने देखा है वो भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं, बट हाँ बहुत ऐसे चीप भी नहीं आते, और बहुत चीप लेने भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे का क्वेश्चन है या सेफ्टी का क्वेश्चन है। मैंने ये देखा कि इतने छोटे छोटे प्ले पेन, मतलब ऑलमोस्ट बेबी के प्रैम जितने प्ले पेन जो थे वो 4,000 5,000 5,000 6,000 या 7,000 के आ रहे। उसको देख के तो मुझे लगा इसमें बेबी को ऐसा लगेगा जैसे कि हम पकड़ नहीं सकते तो बस डाल दिया है, ठीक है, उसमें ना वो क्रॉल कर सकता है, वो बस बेबी भी सो सकता है और बेबी मतलब कुछ नहीं है उसमें, इसलिए मैंने वो सब खरीदे नहीं, और अच्छा वो मैंने नहीं खरीदे। हाँ, लेकिन जिनके यहाँ स्पेस कम है, ठीक है, उनको तो ऑब्वियसली वही सही लगेगा, लेकिन प्राइस इसका देखते हुए और उसका देखते हुए तो फिर मुझे यही लगा। हाँ, एक चीज़ और जो है इसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि इसको आपको मतलब डेली आप इसको खोलना बंद करना नहीं करना चाहोगे, ठीक है, और तो इसलिए इसको वहाँ पे रखना ज़्यादा बेटर है कि जब आपके पास स्पेस भी है, प्लस आपके पास मतलब ये झंझट नहीं है कि आपको बार बार इसे डेली बंद करना है। अगर आपको क्लीनिंग करना है या आपके घर में हेल्प आती है क्लीनिंग करना है तो उसको आप थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो, तो शिफ्ट भी तभी हो सकता है ना जब स्पेस और हो एक्स्ट्रा हो, तो इस चीज़ का तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया आप मीट कर सकते हो तो हाँ आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल है।